साहिल जो है वेदिका के लिए सरप्राइजेस प्लान करता है और फ्लावर्स गिराता है, लेकिन आज वेदिका कुछ ऐसा करती है क्यों? क्योंकि साहिल अपनी यादाश्त को बैठा है और उसे बताया गया है कि वो जैकी है, तो वेदिका बस कोशिश कर रही है जो डॉक्टर क्या रेकमेंड किया हुआ, डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि उसकी पिछली सारी यादें ताज़ा करने की कोशिश करो, क्योंकि उसको याद तो है पर वो बिकॉज ऑफ उसको चोट लगी थी इसलिए सब वो भूल गया है। तो आप कोशिश करते रहिए कि अगर कुछ याद आ जाए तो, बट इट्स पॉसिबल कि याद ना भी आए, बट वेदिका हैज़ डिसाइडेड कि वो कोशिश करती ही रहेगी क्योंकि साहिल ने उसे जितना प्यार दिया है वो उसको वापस रिटर्न करने का ये मौका है। किस तरह से कोशिश की जा रही है, क्या सजा? जैसे साहिल सब करता आया था, साहिल ने तो बहुत कुछ किया है, बट पूरा घर सजाना और फूलों से फूलों की बारिश करना और फोटोज़ जो इतने सारे साहिल ने पहले भी किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो साहिल ने की है वो सारी वेदिका करने की कोशिश कर रही है। हाँ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इमोशनल थिंग कि जो इंसान आपको इतना ज़्यादा प्यार करता था अब वो आपको पहचानने से भी इनकार कर रहा है। उसको है कहीं सॉफ्ट कॉर्नर वेदिका के लिए, पर वो अभी भूमि से एंगेजमेंट कर रहा है, सून वो शादी कर लेगा, उसको डिफरेंट रास्ते पे लेके जा रहे हैं उसकी जो माँ जो है नहीं बट स्टिल जो बोल रही है कि वो उसकी माँ है, और वो बेचारा लॉस्ट है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है, तो उस सिचुएशन को लेके ऑफ कोर्स वेदिका तो बहुत इमोशनल हो ही गई। तो हम कह सकते हैं इस बार वेदिका का रोमांटिक साइड दिखने वाला है क्योंकि हमेशा साहिल बेचारा कुछ ना कुछ करता है। हाँ, वेदिका का रोमांटिक शी इज गोइंग टू ट्राई एट द एज ऑफ 48-49 with being pregnant and सामने वाला knowing nothing about what is happening, she is going to try. What an ideal situation. of course होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो लव जो लिखा हुआ है वो सारी सिचुएशनल चीज़ें ही हैं जिससे साहिल ने पहले की हुई थी, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो वेदिका ने एक साथ करने की कोशिश की है ताकि इस तरीके से, नहीं तो कोई और जो आगे भी आने वाली है ऐसी चीज़ें कि वेदिका कीप्स ऑन ट्राइंग कि कैसे तो साहिल को पता चल जाए, कैसे तो कुछ तो उसको कुछ इंसिडेंट याद आ जाए, कोई एक इंसिडेंट तो उसके ज़रिए हम और कुछ यू नो उसे याद दिलवा सकें।